Hi guys, this is Sayan and welcome back a new video. आज वीडियो बना रहे हैं अपने न्यू स्कूटी के बारे में, जो पुरानी वाली थी TVS की जुपिटर, उसको सोल्ड कर दिए हैं और ये नई आ गई है यमहा की रेजेड R125, जो ग्लॉसी ब्लैक में है। 2023 मॉडल है, ब्लू कोर हाइब्रिड। पहले आप इसका ओवरऑल लुक ले लीजिए। ये गार्ड लग गया, ऊपर से नंबर प्लेट वगैरह आ गया है, सीट कवर मैट। सबसे पहले इसका आपको मीटर कंसोल दिखाते हैं। है ये छोटी स्कूटी नाम की, लेकिन फीचर इतना दे दिया है कि आप हाई सीसी वाली जो सुपर बाइक सब रहती है उससे कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मीटर देखिए, मतलब फुल्ली ब्लूटूथ कंट्रोल वगैरह। एक बार और देखिए, यहाँ आपको इको असिस्ट, इंजन लाइट और क्या क्या है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप। यहाँ आपको टाइम दिख जाएगा, ये तो किलोमीटर स्पीड वाला। यहाँ फ्यूल है, यहाँ आप देखिए क्या क्या सिस्टम, ट्रिप है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडो फील इकोनॉमी, मतलब रियल टाइम एवरेज भी दिखा देगा। और अभी 45 के दे रही है कंपनी, तो क्लेम कर रही है 55 की, तो ठीक है। माइलेज वगैरह सब कुछ ठीक है, गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है, इंजन बहुत हाइब्रिड सिस्टम है। तो आप लोग जानते होंगे जो मारुति की कार सब में हाइब्रिड इंजन आती है वही वाली। और ये इसमें मिरर वगैरह FZ वाली दे दिया है, यमहा की जो FZ आती है 155। यहाँ यमहा की लोगो, ये है आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। जो नहीं जानते होंगे उनके लिए कि ये जब ऑन रखिएगा गाड़ी आप चला के आए और खड़ा कीजिएगा, कुछ सेकंड में ऑटोमेटिक बंद, उसके बाद एक्सलेटर लीजिएगा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हॉर्न सुन लीजिए, या इंडिकेटर, ये पास लाइट, हेडलाइट, और यहाँ आपको की में फ्यूचर देगा। की में ही मतलब फ्यूल खोलने के लिए, फ्यूल क्या, फ्यूल टैंक तो सीट के अंदर है, तो यहीं से आपको एक बार पैक करके हल्का सा करके सीट खुल जाएगा। और यहाँ कुछ लगेज टांगने का हुक है, जो सी 1 kg तक लोड उठाएगा, और ये सीट में आप 5 kg तक का रख सकते हैं। यहाँ फ्यूल टैंक मिल जाएगा, E20 मॉडल है, ये ब्लूटूथ कनेक्शन टॉप मॉडल में जो आता है वहाँ रिंच वगैरह का। फ्यूल टैंक आपको 5.2 लीटर का मिल जाएगा। यहाँ बेजिंग यमहा की। अब आगे आते हैं हेडलाइट वगैरह में, तो ये फुल टाइम ऑन रहता है LED, चाबी ऑन कीजिएगा वो ऑन रहता है। ये स्टाइलिश के लिए बनाया गया है। और यहाँ आपको हेडलाइट मिल जाएगा, हेडलाइट दिखाते हैं। हेडलाइट तो स्टार्ट होने पे जो है, यहाँ हेलोजन इंडिकेटर है, यहाँ का बेजिंग है, फ्रंट टायर आपको ये अलॉय व्हील है, थोड़ा रिंग डायमंड रिंग आप कह सकते हैं कर्ब वाला। और आगे जो टायर है उसका साइज है 90x90, 12 इंच का है, मैक्सिस का टायर है कोई। और फ्रंट में आपको डिस मिल जाएगा, डिस में कुछ नाम वगैरह है नहीं, सिंपल होगा क्योंकि स्कूटी है, ड्राइवर पे तो मिलेगा नहीं। और अब जो नया स्कूटी सब आ रहा है उसमें यहाँ पे बैटरी आपको मिल जाएगा। और ये है साइड स्टैंड, साइड स्टैंड में एक फ्यूचर है, मतलब गाड़ी स्टार्ट रहेगा साइड स्टैंड नीचे कीजिएगा ऑटोमेटिक बंद, या स्टैंड नीचे रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ये फुट रेस्ट वगैरह, और इसमें किक भी मिल जाता है यमहा का इंजन। ये लेडीज़ फुट रेस्ट, इंजन फुल्ली कवर किया हुआ है, प्लास्टिक है, यहाँ रबर वगैरह है।
ये पीछे का सस्पेंशन, लेकिन सस्पेंशन आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं बाइक की तरह, वो फिक्स है एक ही रहेगा। ये बैक टायर 110/90 आएगा, जो 10 इंच का मोटा है, पर ये आगे से टायर पीछे में छोटा मिल जाएगा। यहाँ भी हेलोजन इंडिकेटर, ये बैक लाइट बहुत मस्त भी हुआ। यहाँ आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगा नंबर प्लेट के लिए। ये एग्जॉस्ट देखिए, फुली कवर प्लास्टिक का। यहाँ इंजन। तो यही थी छोटी सी गाड़ी स्टार्ट, आपको दिखाते हैं कितने स्मूथ इंजन है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही भाई। और साइड स्टैंड नीचे, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब देखिए स्टार्ट हो गई। ये साउंड है स्मूथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।